दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों अभी अभी मैंने टेक्निकल इसरार यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड करी है, उसकी परफॉर्मेंस देखती है कि कितने मिनट पे कब तक पहुंची है और क्या क्या कमेंट आ रहे हैं, तो मैं चलो आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। अभी दोस्तों जो भी मैंने वीडियो अपलोड करी है वो ये वाली वीडियोस है, ठीक है। और ये देख सकते हैं इसकी परफॉर्मेंस, तो यहाँ पे 1367 पे पहुँच चुकी है, 166 कमेंट आ चुके हैं। हम जाते हैं इसके कमेंट्स में, देखते हैं क्या क्या कमेंट लोग बाग पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हो, गुड सेटअप सर, बिग फैन फ्रॉम मुरादाबाद सर, कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई है मुझे। और यहाँ पे कई सारे और कमेंट भी आ रहे हैं, हेलो भाई मुझे रियूज कंटेंट का सामना करना पड़ रहा है, आई एम कम्प्लीटेड 200 लाइक, ये थैंक यू सो मच। और यहाँ पे एक बंदे ने लिखा है, द कोर्डन ब्रेकर कह रहे हैं, एक दिन आप ही बोल रहे थे ऐसा वो टाइम जो मिलता है वो वैलिड नहीं होता है और YouTube रिजेक्ट करता है, और आज आप ही प्रमोट कर रहे हैं, दिस इज ए बिजनेस। तो ये भाई जो है ना, ये आधी अधूरी नॉलेज देखते हैं, वीडियो कंप्लीट नहीं देखते हैं। एक बंदा है फैंसी आइडिया, इसने लिखा है, लास्ट में बताया है कि ये सही नहीं है, एंड में देखो, ठीक है। इस बंदे ने, फैंसी इंडिया ने, यानी कि ये बात क्लियर कर दी है। वैसे इस वीडियो में है क्या, मैं आपको जनरली दिखा देता हूँ, मैं एडिट में जाता हूँ। वैसे यहाँ पे बहुत सारे बंदे फेक जो है ना, मतलब वॉच टाइम खरीदते हैं, बट मैंने इस वीडियो में बताया है कि कई तरह के, यहाँ पे मैंने देखो क्या लिखा है, वेबसाइट काफी बड़े बड़े दावे कर रही है व्यूज के भी, और वॉच टाइम भी आपको ओरिजिनल दे रहा है, ऑर्गेनाइज दे रहा है, ये वेबसाइट आपको बता रही है और ये आप विश्वास भी दे रहे हैं, गारंटी भी दे रहे हैं। बट दोस्तों मैं यहाँ पे पर्सनली इसको रिकमेंडेशन या रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन आप मेरे द्वारा दी गई अच्छी लगी है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है लाइक करें चैनल। तो यही होता है कि वीडियो एंड तक नहीं देखते हैं। वीडियो मैंने एंड में बताया है कि मैं इसको रिकमेंड नहीं करता हूं, बट इस तरह की वेबसाइट इस टाइम चलन में है, वो उस टाइम दे रही है, ये दे रही है, वो दे रही है, बट मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता हूं, ये मैंने लास्ट में वीडियो में बताया है। बट दिक्कत ये है दोस्तों, सारे के सारे जो बंदे हैं वो वीडियो के स्टार्टिंग में देखते हैं, एंड तक कुछ जाता ही नहीं है, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई वीडियो कंप्लीट देखा करो। बात हो रहा है दोस्तों, ये मैंने यहां पे लगाया है और ये मैं इसको न्यू लेके आया हूं बिल्कुल, और ये देखो इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और ये है माइक्रो टैक का दोस्तों, ये बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इसमें ब्लू कलर के लगे हुए हैं, और यहाँ पे ऑन और ऑफ भी है, और इसकी 1 ईयर की वारंटी है, अगर कुछ ख़राब होता है तो सीधा इसका रिप्लेसमेंट है। वैसे दोस्तों मेरा काम यहाँ पे चल रहा है, अभी लैपटॉप भी बन रहा है, बट मैं थोड़ा सा थकान हो गई थी तो मैंने थोड़ा सा रिलैक्स किया, अब मैं दोबारा से काम करना स्टार्ट कर दूंगा। और दोस्तों एक बात और मुझे पूछनी है, इस वॉल का मैं जो है कलर चेंज कराना चाहता हूँ, क्या मुझे कराना चाहिए या नहीं, वो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि दोस्तों ये जो कलर है ना वो अभी जच नहीं रहा है सेटअप पे, और मैंने थोड़ा पैसा भी लगाया है बट वो मज़ा नहीं आ रहा है। और आप मुझे बताइए कि कौन सा कलर इस दीवार पे कराना चाहिए। इस पे मैंने क्रीम कलर का करवाया है वाइट, और यहाँ पे ये है अपना ब्लू कलर टाइप है। तो दोस्तों यहाँ पे हम करा रहे हैं आज थोड़ा सा काम, आप देख सकते हो ये यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है ओपन हो रखा है, और एक्चुअली में जो ये वायर जा रही है ना, ये आप देख सकते हो, इसको भी मतलब मैंने लगाना है, पट्टी वट्टी जो भी होती है उसको लगाते हैं, और थोड़ा सा काम ये करा है, यहाँ पे ये वायर जा रही ना, इसको भी मैंने एडजस्टमेंट कराना है, और यहाँ पे एक ट्यूबलाइट लगानी है जैसे कि मैंने आपको बताया था, और वो पट्टी यहाँ पे लग भी रही है आप देख सकते हो, और ये नीचे की तरफ आ रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से वर्क चल रहा है, और ये भैया काम कर रहे हैं, काफ़ी देर से लगे हुए हैं। तो दोस्तों अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद आपको पता है कि मैं हमेशा 5 बजे लाइव स्ट्रीम आता हूँ संडे को, बट आज इसी वजह से नहीं आ पाया क्योंकि एक्चुअली में थोड़ा सा टाइम इशू हो रहा था, और अब ये काम फिनिश हो जाएगा, हो सकता है मैं रात के 10 या 11 बजे लाइव स्ट्रीम आऊँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बोर्ड वगैरह मैंने यहाँ पे लगाया है, मतलब लेके आए हैं, अब इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे लोग, इसको लगाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो काम तो चल ही रहा है। तो जो काम है वो अभी भी चल रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये बोर्ड की जो फिटिंग है वो तो मैंने करा दी है, ऊपर से ले कर नीचे तक आप देख सकते हो यहाँ पर, और वो वायर वाली जो है ना ऊपर वाली भी लगा दी है, और यहाँ पे इस टाइम जो है फिट हो रहा है, और ये ट्यूबलाइट जो है ना एक यहाँ पे दिख रही होगी आपको, ये यहाँ पे लगेगी, और भैया कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, भैया पानी तो नहीं चाहिए, और उसके बाद ये भी यहाँ पे उधर लग जाएगा। दोस्तों पूरा दिन हो गए काम करते करते, अब जाके फ्री हुआ हूँ, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर मैंने सेटलमेंट करा दिया है, टीवी का भी लिए एक वहाँ पर लाइट लगवाई है जो कि मैं आपको दिखा देता हूं, और
ये मैंने जानबूझ के लगवाई दोस्तों, ये यहाँ पे इसको मैं अगर ऐसे जलाऊंगा तो ये जल जाएगी, जिससे कि इस साइड जन रोशनी का इफेक्ट आए। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस टाइम ये वर्किंग है, अभी के लिए बंद कर देता हूँ। यहाँ पे एक मैंने बोर्ड लगवाया है, एक वायर भी लगवाई, जो वायर निकल रही हुई थी वो मैंने वहाँ पे फिट करवा दी है। और साथ ही साथ मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगा कि क्या क्या मैंने काम कराया है। तो वो देख सकते हो जो वायर है ऊपर की तरफ वो जा रही है, तो वो वायर मैंने बिल्कुल सेट करा दी है। और रही बात यहाँ पे जो वायर जा रही थी ऊपर की तरफ, वो भी मैंने हटा दिया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक्चुअली में ये वायर आपको दिख रही होगी, ये इसको जो पट्टी वट्टी जो भी बोलते हैं, ठीक है, ये ऊपर की तरफ जा रही है। ऊपर जाते जाते फिर मैंने यहाँ पे लेके इसको यहाँ पे लेके आया हूँ। अब वहाँ पे मैंने फ़िट करवा दिया, थोड़ी सी वायर जो बाहर है इसको मैं कवर कर दूंगा, उसकी चिंता ना करो आप। और एक पट्टी जो है ना, एक्चुअली में ये पट्टी यहाँ पे आ रही थी, इस साइड आ रही थी, बट मैंने क्या किया दोस्तों, ऊपर की तरफ जाके इसको मैंने ऐसे घुमवाया और इस बीम के बराबर बराबर में नीचे लेके आया इस पट्टी को ऐसे, और नीचे ले जाके, और मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये बोर्ड मैंने लगवाया है, और इस बोर्ड से मैंने ये एक्सटेंशन लगवाया है, और इस एक्सटेंशन से मैं लैपटॉप और यहाँ पे पीसी अगर मैं लूँगा तो उस पीसी को लगा सकता है। अच्छा, बहुत सारे बंदे को पता नहीं होता एक्चुअली में इसका क्या मतलब होता है, ये मैंने बहुत अच्छे से और हाई क्वालिटी में लिया है, इसके बारे में वीडियो बनाऊँगा अगर आप कमेंट करोगे। और साथ ही साथ यहाँ पे ये जो पट्टी ऊपर देख रहे हो वो पन्नी में उतार दूंगा, वो बहुत गंदी लग रही है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो ये पट्टी मैंने फिर यहाँ पे लगवाई है। तो इस तरह से दोस्तों मैंने अब यहाँ पे साफ़ सुथरा मैंने अपना सेटअप मतलब इम्प्रूव कर रहा हूँ डे बाय डे। भी फ़र्श है इसके ऊपर, एक मैं लेके आऊँगा बिछाने के लिए, फ़र्श के ऊपर जो होता है ना, जो क्या बोलते हैं उसे, मेरे को पता नहीं मैट वगैरह क्या बोलते हैं, तो उसको मैं लेके आऊँगा। और फिर यहाँ पर हो जाएगा, टीवी का काम भी हो गया है और इस बोर्ड का काम भी हो गया है, और यहाँ पे ये जो टेबल है ये मैंने एडजस्ट कर दिया है, और चेयर तो मेरी है यहाँ पे। तो कहने का मतलब है अभी के लिए दोस्तों यहाँ पे सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों फाइनली जो भी ये पैसा लग रहा है ये सब यूट्यूब का है। अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं कमेंट मेरे को जरूर करना, साथ ही साथ और नए ब्लॉग्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि भाई मैं रहता हूँ दिल्ली में और मैं अकेला रहता हूँ, मेरे मम्मी पापा गांव में रहते हैं, यहीं पे फैमिली के साथ रहता हूँ, तो मुझे आप सबका सपोर्ट भी चाहिए। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।